आज हमारा रैंक पुशिंग का 24वां दिन एंड शायद एक दो दिन के अंदर मैं कोनकर अपना लगा दूंगा जिस हिसाब से मेरे प्लस हो रहे हैं, क्योंकि भाई हर मैच में मेरे 10-15 किल हो रहे हैं लगभग एंड हर मैच में हैकर भी आ रहे हैं। पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मुझे ही लग रहा है या फिर आप सबके साथ भी हो रहा है, हर मैच में 2-3 हैकर आ ही रहे हैं। अब इस वाले मैच में भी हैकर आता है, इससे पिछले मैच में भी मेरे हैकर आता है, उसके पिछले मैच में भी हैकर आता है। हालांकि 2-3 बार मैंने हैकर को मारा भी। अब उतरते मुझे साउंड आता है कि कोई तो कूदा, बट यहाँ पर मुझे लग रहा था कि कोई कूदा, बट यहाँ पर मुझे साउंड ना ये पंछी का आ रहा था, फिर मैं इसे मारने लग गया था। मॉन्स्टर बोल सकते हैं इसे हम। अब यहाँ पर पहले मॉन्स्टर को मारते हैं एंड फिर इधर से निकलते हैं लूट वगैरह करके। अब यहाँ पर मॉन्स्टर वगैरह को तो मैं मार ही रहा था, तभी मुझे एक बंदा दिखता है। भाई इन मॉन्स्टरों ने बहुत तंग किया मुझे। अभी एक बोर्ड था जिस बोर्ड को इजीली मैं मार देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं हेल्थ लगाता हूँ, फिर मैं मॉन्स्टर को मारूंगा एंड इधर से निकलूंगा। एंड मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, आप सबके साथ भी ऐसा हो रहा है कि 2-3 दिन से आपको ज्यादा हैकर देखने को मिल रहे हैं। अब ये चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, आज वाला गेम आपको काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि हम शुरुआत में तो इतना अच्छा नहीं खेलते, बट बाद में जाके जो तबाही मचाई है वो देखने लायक है। अब काफी देर से मैं वेट कर रहा था कोई तो इस टेंपल पे आएगा लूट वगैरह करने के लिए, मैं उसकी गाड़ी लेके निकलूंगा उसे मार के, बट कोई भी नहीं आता। तो मुझे एक ट्रिपला दिखती है मेरे टेंपल के बिल्कुल सामने, तो मैं उठाता हूँ एंड इधर से निकलता हूँ बंदों की तलाश में। अब 59 बंदे बचे थे, बंदे बहुत जल्दी मर रहे थे। मुझे आइडिया नहीं था कि इस वाले मैच में हैकर होगा या नहीं, क्योंकि अभी तक तो मुझे कुछ भी गलत लग नहीं रहा था, बट आगे जाके देखना भाई साहब भसड़ कैसे मचती है। अब यहाँ से मैं निकल जाता हूँ एंड भाई आपको पता है मेरा खेलने का स्टाइल, मैं घुस घुस के मारता हूँ जब मेरे पास गाड़ी और गन्स हो, थोड़ी लूट हो और गाड़ी हो, बस फिर मैं पागल हो जाता हूँ। अभी देखना मैं कैसे पागल होता हूँ। अभी इधर से निकलते हैं पहले। अब यहाँ पर मैं बंदों की तलाश में निकल ही रहा था, तभी मुझे यहाँ पर एक गाड़ी दिखती है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी स्लो करके ना साउंड लेने की कोशिश करता हूँ कोई है तो। यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी साउंड नहीं आता, इस वजह से मैं उतरता नहीं हूँ एंड यहाँ पर मैं ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर बंदा कहीं और होता था वो मुझे मार देता। अब जैसे मैं इधर से निकलने वाला था तभी मुझे यहाँ पर साउंड आता है, कोई भाग रहा है। मैं देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे बंदा तो दिख गया था, अब सिर्फ इसे मारना था। अब देखो फिर कैसे मारते हैं इसे। अब इसने यहाँ पर फ्लेयर चला रखी थी, जिस फ्लेयर को ढूंढते मैं यहाँ पर आया था। अब यहाँ पर मैं इधर की तरफ आता हूँ, मुझे साउंड आता है कि वो बिल्कुल मेरे सामने की तरफ है। तो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, बंदा तो मुझे नहीं दिखता, बट यहाँ पर मेरे पास मोली थी तो मैंने एक मोली इधर की साइड की, एक मोली मैं दूसरी साइड करूंगा ताकि बंदा बीच में फंस जाए। अब 2 मोलियां करने के बाद मेरे पास नेट भी थे, तो मैंने सोचा चलो नेट ट्राई करते हैं। बंदा मुझे यहाँ पर दिखा, मैं एक नेट पिन करता हूँ, पहले देखने की कोशिश करता हूँ वो पुश तो नहीं कर रहा। अब जब वो बंदा पुश नहीं करता तो यहाँ पर मैं थोड़ा दिमाग लगा के जो नेड है ना वो दीवार से टकरा के फेंकता हूँ, जिससे वो कंफर्म डैमेज हुआ होगा। अब यहाँ पर मैं एक और नेड पिन करता हूँ एंड यहाँ पर फेंकता हूँ एंड मैं कंफर्म था कि ये डैमेज तो है एंड मैं प्री फायर करते हुए घुस जाता हूँ, इजीली इस वाले बंदे को मार देता हूँ। ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, कितना डर डर के खेल रहा था। अब इसका मैं ड्रॉप लूटता हूँ एंड इधर से निकलता हूँ, ड्रॉप में मुझे मिल जाती है ग्रोजा एंड भाई साहब ग्रोजा तो है यार खतरनाक गन, तो इसको उठाते हैं एंड इधर से निकलते हैं। अब ग्रोजा उठाने के बाद मैं इधर से निकलता हूँ एंड यहाँ पर मैं कन्फर्म हो गया था, जब मेरे पे स्प्रे होता है ना 2 बंदे स्प्रे कर रहे थे, मैं कन्फर्म था कि यहाँ पर बंदे तो हैं। अब जैसे ही मुझे बंदा दिखता है मैं यहाँ पर वापस आता हूँ एंड यहाँ पर 2 बंदे स्प्रे करेंगे मेरे को, देखना। अब मैं पहले कवर में रुकने वाला था, जैसे ही 2 बंदे स्प्रे करने लग गए ना मैं भागा पहली फुर्सत में एंड बंदे का स्प्रे काफ़ी सही था क्योंकि उसने मुझे काफ़ी लो कर दिया था एंड यहाँ पर मुझे ये तो समझ में आ गया था 2 बंदे हैं। अब होता क्या, यहाँ पर मैं डर के क्यों भागा, देखो मैं भागने वाला नहीं था बट मेरे पास लूट अच्छी थी, अगर मैं मर भी जाता ना फिर भी मैं रिस्पॉन हो जाता क्योंकि मेरे पास वो कीड़ा सा था जिसकी वजह से मैं दोबारा से एक बार फिर इस वाले मैच में आ जाता है ना। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले हेल्थ लगाता हूँ एंड आपको पता है मैं भागने वाला बंदा तो हूँ नहीं, तो इस वजह से मैं गाड़ी उठाता हूँ एंड दोबारा से उन वाले बंदों पर पुश कर देता हूँ हेल्थ वगैरह लगाने के बाद। अब हेल्थ वगैरह लगाने के बाद मैं इधर की साइड आता हूँ एंड यहाँ पर मैं पहले सोचता हूँ कवर में रुकूँ, कवर में रुकने के बाद पहले एक को निपटाते हैं नेड वेड करके। तो यहाँ पर मुझे हल्का सा बंदा दिखता है एंड इस वाले बंदे को तो इजीली हम मार देते हैं। इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर अब दूसरे की बारी थी,
मुझे पता था दो बंदे हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं सीधा नहीं जा रहा था। देखो पहले मैं पत्थर पे जाऊंगा एंड इजली इस वाले बंदे को भी हमने मार दिया। इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर अपने हो गए थे टोटल 4 किल। एंड यहाँ पर फिर मैं ओल पे बोलता हूँ, कैसी लगी, आ गया स्वाद। भाई साहब मजा आ गया यार इनको मार के। टीम अप करके यार खेलते क्यों हैं बंदे यार मेरे साथ? तो चलो सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, फिर भी मैं उन्हें रोकता हूँ कि भाई फायर मत करना। ये तो भाई फायर कर रहे थे, दोनों मिल के खेल रहे थे, दोनों एक ही बंदे पे स्प्रे कर रहे थे, ये तो गलत बात है ना यार। चलो ठीक है, उनकी मर्जी है यार, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी लूट वगैरह करते हैं, इधर से निकलते हैं। अब यहाँ पर मेरे सामने एक बग्गी खड़ी थी तो मैंने सोचा चलो बग्गी उठा लेते, क्योंकि बग्गी ठीक रहती है यार सोलो पुश में। तभी मुझे साउंड आता है, मुझे साउंड आया कि मेरे पास से एक बाइक गई, और उस वाले बाइक वाले को देखने के लिए मैं उसके पीछे भागता हूँ हमेशा की तरह। कोई भी गाड़ी का साउंड आता है मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं पीछे तो उसके जाता हूँ बट वो वापस आ रहा होता है, देखना अभी यहाँ पर आपको दिखेगा वापस आता हुआ। एंड जैसे ही मैं इसे वापस आता हुआ देखता हूँ मैं बोलता हूँ भाई ये गया ही क्यों था जब वापस आना था। अब यहाँ पर ये दिखा, मैंने गाड़ी मोड़ ली एंड इसकी किस्मत देखो भाई, इसकी गाड़ी पलट गई एंड ईजली इस वाले बंदे को हमने मार दिया। इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर मैं इसकी पेटी नहीं लूटता हूँ, सीधा इधर से निकल जाता हूँ। एंड यहाँ पर मेरी जो गाड़ी थी ना वो थोड़ी डैमेज हो गई थी, इस वजह से मैंने सोचा ना सबसे पहले यहाँ पर मैं एनर्जी ड्रिंक लगाता हूँ एक, एंड गाड़ी उठा के दूसरी गाड़ी ढूंढते हैं जो थोड़ी सी ठीक ठाक हो, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी ड्रिंक लगाते हैं एंड इधर से निकलते हैं रीलोड वगैरह करके। अब एनर्जी ड्रिंक वगैरह लगा के रीलोड वगैरह करके मैं इधर से निकल ही रहा था। पहले मेरा मन करता है कि मैं अपनी ही गाड़ी दोबारा उठा लूं जो डासिया थी अपनी लैम्बोर्गिनी। तभी मुझे एक और बग्गी दिखी जिसे मैं उठाने के लिए यहाँ पर आता हूँ, बंदा दिखा एंड भाई ये स्प्रे के लिए तो भाई एक लाइक तो बनता है। तभी मुझे फिर से एक साउंड आएगा, देखना अभी जब मैं इस वाले बंदे को लूट रहा था। एंड इस वाले बंदे को भी इजिली हमने मार दिया। इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर मैं इसकी पेटी लूटने लग जाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक किल और मिल सकता था बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब चूक गया। अब हुआ क्या, यहाँ पर मैं लूट कर रहा था, अब मैंने लूट की तरफ इतना फोकस कर दिया था ना, मैं साउंड की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। तभी मुझे साउंड आता है, थोड़ा सा डैमेज मैंने दिया था, मैं रीलोड करता हूँ एंड इस वाले बग्गी के पीछे लग जाता हूँ ताकि मुझे इसका भी किल मिले। बट ये वाला बंदा पता नहीं कहाँ चला जाता है यार। अब होता क्या सीन है, मैं ढूंढता तो इस वाले बग्गी वाले को मुझे दिख रहा था सामने की तरफ भाग रहा है ये। अब ये काफ़ी दूर चला गया था तो मैं इसके पीछे पड़ा था बट मुझे कोई और ही बग्गी वाला मिल जाता है एंड वो निकलता है अपना सब्सक्राइबर एंड सुनना फिर क्या बोलता है वो। अब बग्गी वाले का पीछा करते करते यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर भी मुझे बग्गी दिखती है तो मैं समझ जाता हूँ शायद ये वही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे लगता है वो नीचे है बट वो नीचे नहीं था। तभी मुझे साउंड ऊपर से आता है, पारस भाई, और बंदा कहता है पारस भाई, हेलो पारस भाई, पारस भाई भाई। तो मैं भाई को बोलता हूँ भाई रुको, मुझे ना साउंड आया किसी का एंड यहीं पर एक बग्गी वाला था जिसका साउंड मुझे आ रहा था हल्का सा, तो यहाँ पर मैं उसे देखने की कोशिश करता हूँ। बट बग्गी वाला ना पता नहीं क्या कर रहा था, गोल गोल घुमा रहा था। अब अपने सब्सक्राइबर को मैं बोल के आया था कि भाई मैंने सुन लिया, तुम मुझे जानते हो बट मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ कौन सा बग्गी वाला था जो यहाँ पर था अभी और वो मुझे यहाँ तक ले आया पीछे पीछे अपने। अब यहाँ पर मैं बग्गी वाले को देखने की कोशिश कर रहा था, ध्यान से सुनो, मैं वॉइस बंद करता हूँ अपनी, देखो ये बग्गी वाला पता नहीं क्या कर रहा था, ये बुला रहा था अपने पीछे पीछे एंड देखना इसकी हरकत। तुम्हें सीट चेंज करना आता है वीर भाई, हमें भी आता है, तुम क्या कर रहे हो भाई। भाई इसने सीट चेंज की, ये ना मुझे बुलाना चाहता था अपने पीछे, बुलाया इसने, उसके बाद ना ये अपने पीछे लगा के मुझे मारना चाहता था सीट चेंज करके। बट इसको नहीं पता था कि हम भी सीट चेंज करना जानते हैं। अब इस वाले बंदे को मारने के बाद दोबारा से आता हूँ मैं यहाँ पर एंड इस वाले बंदे से बातचीत करते हैं थोड़ी। हेलो हेलो पारस भाई, हाँ भाई, अरे भाई, हाँ हाँ भाई, हाँ ठीक है भाई। तो ये अपना सब्सक्राइबर निकलता, मैं इसे बोलता हूँ कि भाई जितनी बात करनी है कर लो बट ऊपर ही रहना, नीचे मत आना, ठीक है ना। एंड टीम अप करके किसी को भी नहीं मारना, आप अपना खेलो मैं अपना खेल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं होल्ड कर लेता हूँ क्योंकि मैं जोन के अंदर था। हाँ मैंने आपके ग्रोजा के रिलोड सुने ना, तब मेरे को पहचान गया मैं कि भाई पारस भाई के पास तो ग्रोजा है करके। अब यहाँ से मुझे पता चल गया भाई हमारे मैच में हैकर है ये, देखो टीपीजी रोकी करके बंदा है ना, इसने एक किल किया, अभी लगातार देखना यही मारेगा सब बंदों को, ध्यान से देखना। हाँ भाई हैकर तो आ रहे क्या? आ रहे भाई।
से ही माइनस लग रहे हैं ना। तो मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछता हूँ कि भाई हैकर आ रहे हैं क्या, तो कह रहा हाँ भाई मेरी रैंक चल रही है 2000 के आसपास, बट हैकर इतने आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं रैंक पुश नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने अच्छा बोला सेफ खेल खेल के कॉन्कर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैंने आपकी वीडियो देखा है, मैं आपका सब्सक्राइबर ही हूँ। अभी एक किल फीड आपको दिखाई थी, अभी दोबारा से किल फीड देखना। हाँ, मैंने देखा, आपने पोचिंग की में मारा था, मैंने देखी आपको वीडियो। देखो टीपीजी रोकी, ठीक है देखते रहना अभी कितने बंदे मारे गए। हाँ, यहीं पे लेटा हुआ है एक और किल फीड दिखेगी अभी आपको, देखो अभी, एक ही हुआ भाई, एक ही देखो बोट टीपीजी मारा और रोकी, यहाँ ठीक पर है। आके बैठ एंड गया। अभी देखते रहना भाई, आप देखते रहो एक और किल फीड। ये बंदे क्या कर रहे हैं ना आजकल, ये जो हैकर है ये ना शुरुआत में नहीं मारते हैं, एंड में ना हाँ, बहुत मारते हैं। अब टीपीजी। यहाँ पर एक फुल M4 वाला भी था जो गेमिंग चलो करके था, तो तभी मुझे सामने एक गाड़ी दिखती है जिस पे मुझे लग रहा था शायद बंदा है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अब मैं उठ इस वजह से नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता था इस वाले मैच में हैकर है, तभी मुझे बंदा दिखता है। बग्गी आ रही। इसको मैंने कितना डैमेज दिया बट किल किसी और ने ही ले लिया भाई साहब। अब यहाँ पर सामने की तरफ से फायरिंग होती है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसकी बग्गी के टायर फोड़ देता हूँ, बट बंदा मुझे दिख नहीं रहा था तो मैंने बोला चलो इसे इग्नोर करते हैं अभी के लिए। एंड तभी मुझे यहाँ पर सामने की तरफ से एक यूएजेड आती हुई दिखती है, तो मैं समझ गया था ये इधर ही आएगी। मैं मारने की कोशिश करता हूँ एंड भाई ये बंदा काफी सही खेल रहा था, इसी ने मेरा किल चुराया था, बट मैंने अपना बदला ले लिया। किल क्यों चुराया भाई तुमने मेरा, मैं तुमसे जवाब चाहता हूँ। भाई इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर सामने वाला बंदा काफी फायर कर रहा था, तो यहाँ पर वो बंदा मुझे मार सकता था क्योंकि मैं काफी डैमेज था, बट वो मार नहीं पाता है। अब होता है क्या सीन है यहाँ पर, देखो टीपीजी रोकी भाई बहुत बंदे मारे इसने एंड जोन में, हर बंदे को यही मार रहा था। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं स्कोप सेट करता हूँ अपना एंड यहाँ पर वेट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक और किल फीड दिखेगी टीपीजी रोकी, भाई साहब कितने फिर बंदे मारा मारेगा इसने भाई, थोड़ा भाई, थम जा भाई थम जा, हमने भी खेलना है यार। अब टोटल 4 बंदे बचे थे, मैं ये समझ वाला गया गेम था अपलोड एक तो हैकर करोगे? है, एक अपना सब्सक्राइबर है, एक मैं हूं, एक और बंदा था। अब मुझे नहीं पता था कौन सा बंदा बचा है, बट ये वही वाला बंदा बचा हुआ था जिसके पास फुल M4 थी, तभी मुझे एक गाड़ी दिखती आती हुई। एंड इजली इस वाले बंदे को हम मार देते हैं। इस वाले बंदे को मारने के बाद मुझे ओपन में बंदा दिखता है जिसे मैं इजली मार सकता था, मुझे अंदर आने की जरूरत नहीं थी, बट यहां पर मैं बहुत गंदा आ गया हूं। यहां पर मुझे दिमाग लगाना चाहिए था, मुझे नेड़ का इस्तेमाल करना चाहिए था, बट मेरे पास ग्रोजा थी इस वजह से मैं हीरो बनने चला था और हीरो यार से जीरो बना दिया हैकर ने मुझे। बट इस वाले मैच में अपना काफी अच्छा खासा प्लस होता है, 32 का मार प्लस। रहा एंड ये भाई। हैकर देखो भाई 18 किल करके बैठा है। अरे पागल भाई कहाँ मार रहे हैं भाई बग्गी वाले से। हाँ भाई हाँ एक बंदा पीछे, एक भाई बंदा पारस भाई ऊपर। कहाँ मार दिया यार, टीम अप नेट करते यार मार, नेट बग्गी से मार। कहाँ गिरा दिया। 21 माइनस। सॉरी अरे भाई ब्रो, यही सॉरी आगे ब्रो, बग्गी सॉरी से काहे सॉरी गिरा भाई दिया भाई, शॉर्ट आउट दे दो भाई। भाई, इमॉर्टल वीर, लो इमॉर्टल वीर। अरे इमॉर्टल अब सही बताऊं तो इतना नल्ला हैकर था ना, इसकी गोलियां देखो दीवार पे ही गोलियां मार रहा है भाई, दीवार को ही तोड़ देगा क्या। देखो 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 कहाँ मार रहा है भाई गोलियां, स्प्रे देखो इस नल्ले का। अब क्या ही बोलू यार, ऐसे हैकर भी आ जाते हैं ना मूड खराब हो जाता है। इसकी केडी 3 की है जबकि पहले ये जेनुअन प्लेयर था, लेजिट प्लेयर था, बट जब इससे कॉन्कर नहीं हो पाया तो ये हैक करने लग गया। क्या यार तुम कैसे गुंडे बनोगे तुम्हें, यार छोड़ो यार क्या बोले इनको, इग्नोर करो। बाकी आज की वीडियो में यही था, बाकी ऑल पे मैं बातें करने लग गया था सब्सक्राइबर सबसे, उनसे मैं बातें करता हूँ। बाकी आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कैटबॉट अभी लाइव स्ट्रीम भाई, भाई एक इमॉर्टल वीर के नाम भाई, एक इमॉर्टल वीर के नाम भाई, एक इमॉर्टल वीर। चलो भाई इमॉर्टल वीर है, हो गया क्या ब्रो? इमॉर्टल वीर, इमॉर्टल वीर भाई। अरे पारस भाई, पारस भाई।